अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सऊदीया वालों। तो आज नया वीडियो लेके आए हम कुछ ज़रूरत इम्पोर्टेंस अकामा के बारे में। जैसे कि ऑफशोर अकाउंट वगैरह आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो तो आप अकामा की एक्सपायरी कैसे चेक कर सकते हो, ये वीडियो बने रहे, आगे मैं बताता हूँ। और जो मैं इंडिया वाले हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि जो अकामा होता है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरब में फिज़िकली डिजिटली वो वैलिड होना चाहिए, तो ही आप सऊदी में आप परमिशन आपको मिल सकती है रुकने के लिए। अकामा नहीं है तो आप सऊदी में रीच नहीं कर सकते। चलो वीडियो में बने रहे, आगे के लिए बने रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो सऊदी में रहते हैं उनको मालूम है कि ज़रूरत वाली चीज़ जो होती है अकामा वो किस तरह से बनाया जाता है, क्या जाता है, तो इसी वीडियो में आप बने रहे, हम आपको बताते रहेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगा कि कैसे आप अकामा का एक्सपायरी चेक कर सकते हो। आप अकामा तो आपके पास रहता है फिज़िकल डिजिटली सऊदी अरब में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पास रहना ज़रूरी है। अकामा में आपने देखा होगा कि जैसे कि नेम, यूज़र नेम, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ बर्थ, इशू डेट, लेकिन एक्सपायरी नहीं होता है। यहाँ पर एक्सपायरी कैसे चेक करें तो ये वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप मैं बताता हूँ। अफसर अकाउंट से चेक किया जाता है बट बहुत सारी प्रॉब्लम आती है अफसर में। तो ये लिंक, ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, आप इससे कर सकते हो। जैसे तो आपका पहला पेज जो खुल रहा है टर्म एंड कंडीशन का, इसको आपको मार्क करना है। फिर इसी तरह से पहला पेज खुल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, जिस तरह से आपको मालूमात है उस तरह से कर सकते हो। जैसे कि मैंने अब यहाँ इंग्लिश कर दिया है, इंग्लिश करते हुए यहाँ पे आ गया है अकामा नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कुछ कोड वगैरह है यहाँ पे। तो मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करो, उर्दू चाहिए, अरबी चाहिए, इंग्लिश चाहिए। फिर आप यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना है वो आप यूज़र आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके ये पोर्टल वैसे खुल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अकामा नंबर डालना है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ डालना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ में हिजरी कैलेंडर है और जो इंग्लिश कैलेंडर है तो आपको इंग्लिश पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कोड डालना है यहाँ पे, आगे आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करते हो आपको एक ओटीपी आएगा आपको रजिस्टर नंबर पे, जब अकामा नंबर अकामा बनाए होंगे आप तो रजिस्टर ओटीपी आने के बाद जैसे ही आप ओटीपी डालते हो तो आपका ये पूरा डिटेल आपका ओपन हो जाता है, जैसे आप कब बनाए हो, एक्सपायरी कब है आपकी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपको कुछ अपडेट भी करना है यहाँ पे, आपको अपडेट कर रहे हो और राइट साइड में सेव करके क्लिक कर दे, आपका अपडेट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप वीडियो में बने रहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है वेबसाइट के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वेबसाइट को क्लिक करके आप आपका अकामा एक्सपायरी चेक कर सकते हो आप वीडियो को फॉलो करके। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह जल्दी मैं बनाऊँगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो बनने के लिए। चलो अल्लाह हाफिज़।